दुनिया राम राज कर रही है, राम 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 राम, मारे तो पेट में रोटी नहीं मारी, राम राम कहाँ से निकलेगी। जो मैं सरकार नौकरी नहीं देगी, नहीं क्या लकमा हाथ देख ले लेंगे नौकरी। तो हमारे दिल में गुस्सा बहुत है मैडम, पता नहीं हम क्या था क्या कर देंगे। बिना नोटिस के निकाला, क्यों नोटिस नहीं दिया, रोजगार दे के छीन लोगे तो ये तो गलत है ना। आज हमें घर से बेघर क्यों कर दिया, सरकार का एक गलत फैसला 10,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया है। 20-20 साल हमारे जवानों से काम करा लिया और आज हमें रोड पे बिठा दिया। शर्म आनी चाहिए सरकार को, और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। आप मेरे पीछे भीड़ देख पा रहे होंगे, कितनी तादाद में यहाँ पे भीड़ आई हुई है और जो मांगे लेके यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। शांतिपुर धरना प्रदर्शन चल रहा है इनका, और जो धरना प्रदर्शन है ये दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल का धरना प्रदर्शन है, जो इनको अचानक से सीधा नौकरी से निकाल दिया गया है उसको लेके ये लोग बैठे हैं कि हमारी नौकरी वापस दो। इन्हीं मार्शल का ये धरना प्रदर्शन है। आप देख पा रहे होंगे महिलाएँ भी हैं यहाँ पे, पुरुष भी हैं, दोनों लोग यहाँ पे बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी समय से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी मांगे सुनी नहीं है। तो इन्हीं से सीधा जान लेते हैं कि मांगे क्या लेकर यहाँ पे ये बैठे हैं। हम क्या खाओगे, कब से बैठे हो यहाँ पे? 27 अक्टूबर से बैठे हुए हम लोग। 27 अक्टूबर से यहाँ बैठे हुए हो, सरकार से क्या मांगे रखी हैं आप लोग? हम लोगों ने ये कहा कि हमें वापस दो, रोजगार दो हम लोगों का। आप इन्होंने 1962 का एक्ट बताया, 68 का, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए जब तुमने लगाया था तब क्यों नहीं देखा। आज हमें घर से बेघर क्यों कर दिया, आज हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे ले लेके आ रहे हैं। रोजगार आपने बोला था इलेक्शन से पहले कि हम वोट आपको रोजगार देंगे, तो रोजगार क्यों नहीं दिया आपने, क्यों ऐसे कर रहे हो? तो आप जब नौकरी में ज्वाइन हुए थे तब आपको पता नहीं था कि एकदम से हटा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब सरकार ने भ्रम में रखा था आपको कि और एकदम से निकाल दिया। हमें नोटिस भी नहीं दिया ना, या तो फिर हमें नोटिस देते कि भाई हम आपको निकाल रहे हैं, नोटिस आता। और हमारी सैलरी भी रोकी गई थी 3-3, 4-4 महीने की, 3-3, 4-4 महीने तक की सैलरी रोकी गई है और एकदम से निकाल दे, बिना नोटिस के निकाला गया? बिना नोटिस के निकाला, क्यों नोटिस नहीं दिया? 5 महीने की सैलरी बाद में दी है इन्होंने, लेकिन अब यह है कि हमारे को कम से कम अब रोजगार तो दो। अब ये सब लोग बैठे हैं, सबको अचानक रोजगार दे के छीन लोगे तो ये तो गलत है ना। और फिर जो 25 साल का तो 30 का हो चुका, वो कहीं फार्म नहीं भर सकता। तो इसमें एक एज लिमिट भी होती है कि 25 साल से 30 का हो तो फॉर्म नहीं भर सकता है? नहीं, कैसे भरेगा आप ही बताओ, जब हमारी सरकार ने 27 एज डाल रखी है। अब ये जितने भी युवा लोग हैं बेरोजगार हो गए, क्यों करे भाई तुमने बेरोजगार, ये बताइए ना कि इनको रोजगार देना चाहिए था आपको। तो कब से नौकरी कर रहे थे आप लोग? हम लोग 3-3 साल से, 5-5 साल से भी कर रहे हैं, सेल टैक्स में तो 8 साल से कर रहे हैं। तो आपको बताया नहीं गया था कि आप परमानेंट हो जाओगे? नहीं, कोई नहीं बताया गया। आपका कोई कार्ड वगैरह बना होगा ना? हाँ, सब बने हुए कार्ड वार्ड, उसका कोई फायदा नहीं। एकदम से ऑर्डर जारी कर दिया कि नौकरी गई, तो क्यों गई, बल्कि रोजगार देना चाहिए था, छीनना तो चाहिए ही नहीं था। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इनका रोजगार तक छीन लिया गया है एकदम से। 3-3 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको रोजगार नहीं दिया गया है और एकदम से इनकी जो नौकरी है वो छीन ली गई है। और यहीं पे ये लोग धरना प्रदर्शन को लेके बैठे और बता रहे हैं कि 3 महीने से ज़्यादा हो गया है इनको ये धरना प्रदर्शन करते हुए। सर, क्या कहेंगे यहाँ पर जितने भी महिलाएं पुरुष सब बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और एकदम से निकाल दिया गया बिना नोटिस के। देखिए, ये सिविल डिफेंस है, उन्होंने ये कहा, एलजी साहब ने दिल्ली सरकार से ये मांगा कि सिविल डिफेंस में त्रुटियां है, इसको सही करने का उपाय बताओ। तो जो संतोष राय जी हैं वो एलजी साहब के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके सेक्रेटरी ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया कि सिविल डिफेंस इमरजेंसी आपातकाल में निष्काम सेवा दे सकती है, वो पेड ड्यूटियाँ नहीं कर सकती है। तो ये कोई 10 साल से, कोई 8 साल से काम कर रहा था और सभी को उन्होंने एक साथ निकाल देने का काम। 8-10 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, एक होता है ना कि परमानेंट कर लिए जाते हैं कि काम कर रहे हैं तो परमानेंट कर दो, फिर एकदम से निकालना कहाँ तक सही है? उन्होंने ये कहा कि 1968 एक्ट ये कहती है कि सिविल डिफेंस निष्काम सेवा कर सकती है, पेड ड्यूटी नहीं कर सकती है। लेकिन मैं भी पढ़ा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का PTI हूँ, लोगों को मैं बताने का काम किया, जो सिविल डिफेंस में भर्ती हुआ महिला पुरुष जवान हुए हैं उनको मैं ट्रेनिंग देने का काम किया है। तो उस ट्रेनिंग के दौरान मैं उनको बताता हूँ कि ये निष्काम सेवा है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ कहीं नहीं है
कि आप ओनली निष्काम सेवा करो। इसमें ये प्रावधान और भी है कि अगर इनसे हम सेवाएं लेते हैं तो इनको हम परमानेंट कर सकते हैं, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन पता नहीं संतोष राय जी को क्या दिखा क्या नहीं दिखा, उन्होंने अचानक 31/10/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें सभी को बेरोजगार कर दिया गया। तब से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सरकार का एक गलत फैसला 10,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया है। एलजी साहब ने साइन करने से एक मिनट पहले नहीं सोचा, जब 16 जून 2016 से परा हुआ है उनके पास महिला सुरक्षा का फाइल, तब तो उन्होंने साइन नहीं किया। जब इन लोगों को निकालना था तब बड़ी जल्दी थी उनको 10,000 लोगों को बेरोजगार कर देने के लिए, और जब ये मोहल्ला मार्शल निकाला गया था वो भी फाइल अभी उनके पास पड़ा हुआ है पिछले 4 साल से, तब तो दिखाई नहीं दिया उनको। लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, आप एक महिला हैं जो घर का खर्च वगैरह होता है, फिर कैसे चल पाता है वो? मैडम जी हमें ही पता है, जैसे हम घर का खर्च चला रहे हैं, क्या सरकार को ये नहीं देखती हमारे को 30-30 साल 35-35 साल 20-20 साल हमारे जवानों से काम करा लिया और आज हमें रोड पर बिठा दिया? शर्म आनी चाहिए सरकार को, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? ठीक है, और हमारी उम्र अब क्या है, क्या ये कह रहे हैं होमगार्ड में चले जाओ होमगार्ड में, लेकिन लग नहीं रहा कि उम्र निकल गई है, अब तो कहाँ से ही देंगे नौकरी? कहाँ से देंगे, मरी 12 साल की नौकरी रह रही है अभी मेरी, 48 साल उम्र है मेरी, 12 साल की नौकरी रह रही है, 12 साल की नौकरी सरकार नहीं देगी, नहीं क्या लखमा हाथ देख ले लेंगे नौकरी हम? 3 महीने से ज्यादा बैठे हो चुका है आपको धरने पे, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं सुनी है और आप कह रहे हैं आपको बेरोजगार कर दिया गया है। मैडम मेरी बात सुनो, 3 महीने हो गए, चाहे मैं 6 महीने और हो जाऊँ, हम यहाँ से लेने वाले नहीं है, हमारी संख्या कितनी है, मैं बीमार होकर आई हूँ अभी, अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं बवाना से आती हूँ, ठीक है, अब मेरी तबीयत ठीक है, अब फिर मैं इन अपने बच्चों को इससे ज्यादा भीड़ जोड़ दूंगी, मैं मेरे में इतनी ताकत है, ठीक है, हमारे जितने ये बच्चे खड़े हैं ना इनसे ज्यादा भीड़ जोड़ दूंगी मैं। सरकार कहती है कि हमने रोजगार दे दिया है सबको और यहाँ पे सड़क पे जितनी महिलाएं पुरुष बैठे हैं कह रहे हैं बेरोजगार हो, क्या रोजगार नहीं मिला है आप लोगों को? मैडम ये तो सरकार की गलती है ना, हमारी गलती थोड़ा है, ये तो इनको सोचना चाहिए ना, हमारे बच्चे क्या खाएंगे है? और आने वाली सरकार ये कहती है क्या भाई हम रोटी देंगे रोजगार देंगे, ना तो हमारी रोटी है ना हमारा रोजगार है, इन्होंने हमारा रोजगार छीन लिया। मैडम गुस्सा दिल में इतना है आने वाली सरकार को। कल सबसे ऐतिहासिक दिन था, तो कल के दिन के हिसाब से देखा जाए थोड़ी सी तो बेरोजगारी सहनी पड़ेगी। सहनी पड़ेगी मैडम, दुनिया राम राज कर रही है, राम 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 राम, मारे तो पेट में रोटी नहीं, मारी राम राम कहाँ से निकलेगी जी, मारे पेट में रोटी नहीं है तो राम राज्य है तो सब ठीक है, राम राज्य है हम मानते हैं, राम राज्य है ठीक है, राम राज्य है, फिर हमारे पेट का भी तो राम राज्य होना चाहिए जी, हमारे पेट में ही कुछ नहीं है तो राम राज्य क्या करेगा मैडम, आवाज तो जी भी निकलेगी ना जो हमारे पेट में होगा, राम राज्य क्या करेगा, राम राज्य पेट में कुछ नहीं है तो आवाज कहाँ से निकलेगी? तो राम मंदिर बना दिया है उससे मिलेगी आपको आगे नौकरी, सब चीजें ठीक होंगी, अब राम राज्य स्थापित हो रहा है, हो रहा है ना, नौकरी देंगे हमें, नौकरी देंगे हमें स्वीकार है सरकार से, जो हमें सरकार नौकरी नहीं देगी तो हमारे दिल में गुस्सा बहुत है मैडम, पता नहीं हम क्या तक क्या कर देंगे। कितना बड़ा आंदोलन रूप ले सकता है ये, क्योंकि लोग तो ज्यादा दिख ही रहे हैं, और कब तक चलने वाला है मैडम? चाहे हमें 6 महीने और चल जाओ, 3 महीने हो गए, चाहे 6 महीने और चल जाओ, चाहे साल चल जाओ, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, सरकार को झुका देंगे और सरकार पे हम बात लेंगे, ठीक है। हाँ उसी तौर पर देखा जा सकती है, यहाँ पे तमाम नारे लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये रोजगार नहीं देंगे तो हम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भानु प्रताप और प्राचा जी भी यहाँ पे आ चुके हैं, इनके समर्थन में यहाँ पे आ चुके हैं, और लगातार जो इनका जो धरना 3 महीने ज्यादा चल रहा है, कितना भी बैठना पड़ जाए, नहीं लोगों ने कहा है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी नौकरी वापस लेके रहेंगे। जहाँ सरकार नौकरी की बात करती है कि हमने रोजगार दे दिया, वहाँ पे युवा महिला सब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि बेरोजगार बैठे हैं, इनको एकदम से नोटिस दे के इनको निकाल दिया गया है, तमाम चीजें ये देखने को मिल रही हैं। और सही तौर पर देखा जा सकता है, उन्होंने कह दिया है कि हम अपना जो रोजगार है वो वापस लेके रहेंगे। मैम राम मंदिर बन गया, खुश नहीं है क्या? मैडम खुश तो है, लेकिन जॉब तो दिलवाओ, मेरे उसके क्या होगा ये बताओ ना, हमारे हम रोज बेरोजगार हो गए, इतने बच्चे
जॉब दी क्यों थी जब वापस लेनी थी तो? बस तो पहले बताया नहीं था कि आप लोगों को एकदम से छीन लेंगे? नहीं बताई थी ऐसे। मैम आप क्या कहेंगे, धरना कब तक चलने वाला है? जब तक हमें जॉब नहीं मिलेगी जब तक चलेगी। अगर सरकार कुछ एक्शन ले ही नहीं रही है तो कितना चलेगा, तत्कालीन चलता ही रहेगा क्या धरना? संख्या देखिए मैडम हमारी, सरकार को तो झुकना पड़ेगा। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा धरना चलेगा, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं, हम बिना बच्चों के नहीं है। जब तक रोटी नहीं खाएंगे जब तक धरने में बैठेंगे। 3 महीने से ज्यादा बता रहे, फिर घर का खर्च कैसे चल पा रहे जब 3 महीने हो चुके हैं नौकरी छोड़े? कैसे ना कैसे गुजारा कर ही रहे हैं मैडम, गुजारा नहीं करेंगे बच्चों खिलाएंगे कहाँ से? अपना रोजगार तो हमें चाहिए, आप हमारे साथ हमारी आवाज बचाओ। हम उधार ले लेके सारे क्या करें, कोई अच्छा आदमी जो मदद कर देता हमारी, जिसके कारण हम खा लेते अपने बच्चों का पेट भर देते हैं, क्या करें? सीधे तौर पर देखा जा सकता है, ये कह रहे हैं कि उधार ले ले तक के इनको काम करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर मंदिर बन गया, राम राज्य स्थापित हो गया है, लेकिन उसके बाद भी क्या रोजगार कहाँ गया, क्या राम मंदिर बनने से रोजगार मिल जाएगा? तमाम चीजें ये देख रहे हैं। हाँ सीतर पर देखा जा सकता है कि 3 महीने से ज्यादा हो गए धरने को, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं सुनाई है। एकदम से नोटिस दिए बिना इनको निकाल देना, जो 3-3, 4-4 साल से नौकरी कर रहे हैं परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको निकाल देना। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद ब्राज और भानु प्रताप सिंह भी शामिल हो चुके हैं। अब देखते हैं धरना कितना बड़ा रूप ले लेता है और कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि अब लग रहा है सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि खुद वकील इसमें शामिल हो गए हैं। अब आगे की जानकारी हम ऐसे ही आपको देते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।